हेलो मामीज, वेलकम टू यूट्यूब मॉम चैनल। मॉमीज, आप सभी की प्रॉब्लम है, हर माँ की प्रॉब्लम होती है, बच्चा खाना ही नहीं खा रहा। एक साल से जब ऊपर हो जाता है तो धीरे धीरे बच्चे को आप सब कुछ सिखाने लग जाते हो खाना, लेकिन बच्चा खाना खाता ही नहीं। आप कितनी कोशिश कर लो, बच्चा खाना खाता ही नहीं। तो कुछ प्रो टिप्स, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपको बहुत हेल्प करेगी समझने में कि आपका बच्चा क्यों नहीं खा रहा। डेफिनेटली इनमें से कोई एक दो कारण आपके साथ घट रहा होगा, कुछ गलतियां हो रही होंगी, कुछ समझने में मिस्टेक हो रही होगी कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा। और जब आप इन चीजों को, इन पॉइंट्स को समझ जाएंगे, तो अपने बच्चे की फीडिंग हैबिट को और बेटर बना पाएंगे और आपका बच्चा बड़ा खुशी खुशी खाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इसलिए वीडियो पूरा देखें, सीखें और एक बेस्ट मॉमी बने अपने बेबी की। सबसे पहली चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शंस को हमें खत्म कर देना चाहिए। जब बच्चा खाना खाता है तो मील टाइम ऐसा हो कि हम मील पे फोकस करें, तो मील टाइम टीवी बंद रहे। हाँ, बहुत छोटा बच्चा है तो उसको छोटे बहुत टॉयज दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करने हैं धीरे धीरे करके कि आपका बच्चा फूड को इंजॉय करे, खेलते हुए खाए। डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए, शांत जगह पर बच्चे को खाना खिलाइए। जब बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो देखना है कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा, उसका टेंशन तो डाइवर्ट नहीं हो जाता, फिर वो भूल जाता है खाना खाना या फोकस नहीं कर पाता, ना टेस्ट को फोकस कर पाता है, समझ पाता है, और ना खाना खाने की उसकी इच्छा को वो समझ पाता है। तो शांत एकांत जगह पर बच्चे को खाना खिलाइए ताकि वो फूड को खेलते खेलते इंजॉय कर सके। थोड़ा स्पॉइल करेगा पर उसे खुद से खाने दीजिए, सीखने दीजिए, स्पून होल्डिंग धीरे धीरे सिखाइए। तो इस तरीके से बच्चे को फूड के साथ सबसे पहले दोस्ती करानी होती है, बाद में बच्चा फूड को एंजॉय कर पाता है। दूसरी चीज है कि आपको बच्चे को एप्रोप्रिएट फूड सर्व करना चाहिए। जब बच्चे को आप फीडिंग सिखाते हो तो कुछ अट्रैक्टिव तरीकों से सिखाना है, कुछ फिंगर फूड्स देने हैं जो बच्चा बड़े आसानी से उठा के खा ले और उसके मुंह तक पहुंच सके वो, तो कुछ ऐसे फिंगर फूड आप दे सकते हो बच्चों को जो उनको खाने में आसानी हो। जब बच्चा का खाना जो है वो अपने मुंह तक ले ही नहीं जा पा रहा है, उठा ही नहीं पा रहा है, तब वो उसके टेस्ट को या उस फूड को क्या एंजॉय करेगा। तो एप्रोप्रिएट तरीके से फूड सर्व करें, और एप्रोप्रिएट फूड सर्व करें, बच्चे के टेस्ट को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का टेस्ट क्या। कई बच्चे हलवा खा लेते हैं, कई बच्चे बिल्कुल मीठा नहीं खाते, उनको दलिया खिचड़ी ये सब चीज़ें पसंद होती हैं। तो आप अपने बच्चे को एप्रोप्रिएट फूड देना सिखाइए। आप ये चिंता ना करें कि तो ये खीर खाता ही नहीं है, कोई नहीं, आप दूसरे फॉर्म में उन चीज़ों को दीजिए। बच्चे का मील टाइम आपको शेड्यूल करना चाहिए, जैसे कि आप शुरू में 3 मील दे रहे हो, सॉलिड फूड दे रहे हो बच्चे को, तो वो शेड्यूल होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चा ट्यून होता है अपनी भूख के प्रति, उसे पता रहता है कि इस टाइम मुझे खाना खाना होता है। तो एक सुंदर सा अनुशासन भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं, ये उसके बड़े होने तक उसकी आदत में रहेगा और वो अपना भोजन जो है, अपना मील जो है, शेड्यूल से लेगा। शेड्यूल होने से एपेटाइट भी मैनेज हो जाता है, बॉडी भी उस रिदम को समझ जाती है। इसलिए मील टाइम शेड्यूल होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए कि आप स्नैक्स कब दोगे, आप लंच कब दोगे, आप डिनर कब दोगे। बच्चे के मील टाइम को उसके रेस्ट के टाइम के क्लोज ना ले जाए। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाएगा, अनॉयड होगा, तो फोकस नहीं करेगा अपने मील पर। तो ध्यान रखें कि बेड टाइम के क्लोज आप मील ना दें। बच्चा खेल कर आ रहा है, ये बच्चा खूब अच्छे से खेल लिया, उस समय को समझ जाइए और उस टाइम आप उसको मील दीजिए। बच्चा खेलने के बाद काफ़ी भूखा महसूस करता है और जो भी आप फूड रखोगे उसको वो इंटरेस्ट से खाएगा। जब भी बच्चे का मील टाइम होता है, आपने शेड्यूल बना रखा है, उससे पहले एटलीस्ट 1 घंटा पहले कोई भी पीने की चीज़, कोई भी ऐसी छोटी मोटी कैंडी, चॉकलेट या कोई भी फ्रूट, कोई भी मंचिंग की चीज़ बच्चे को ना दे। उसकी भूख को मेंटेन करिए, उसकी भूख लगने दीजिए, बढ़ने दीजिए, ताकि उसका जो मील टाइम है उसे ठीक से भूख लगे। बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, और अगर आपने थोड़ी सी भी उसको चीज़ दे दी, सपोज आपने एक चॉकलेट दे दी छोटी सी उसको, उसमें ढेर सारा काब है, बच्चा संतुष्ट हो जाएगा और उसका मील टाइम जो है उस टाइम उसको ढंग से भूख नहीं होगी और वो खाने में बहुत नखरे करेगा, अनिच्छा रिलक्टेंट रहेगा वो अपने मील के लिए। आपका बच्चा छोटा है, अब धीरे धीरे वो खड़ा होने लगा, चलने लगा, तो उसे मील प्रेप में इन्वॉल्व कीजिए, अपने साथ लीजिए, उसके साथ मील प्रिपरेशंस कीजिए। तो जैसे आप कैरेट की कुछ रेसिपी प्रिपेयर कर रही हैं, तो बच्चा अगर कैरेट चॉपिंग आपके साथ देखेगा तो थोड़ा रॉ उठाकर भी मुंह में डालेगा, दोस्ती होगी उसकी उस फूड से, उसके कलर को एंजॉय करेगा, उसको कुकिंग को देखेगा। तो प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होने से बच्चा फूड से जल्दी फ्रेंडली होता है और खाने की उसके अंदर इच्छा आती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चे के खाने की स्टाइल को समझना। आपका बच्चा किस तरीके से खाना खाना पसंद करता है, किस तरीके का खाना खाना पसंद करता है। कुछ बच्चे सॉर्टेड वेजिटेबल बहुत आसानी से खा लेते हैं, कुछ को प्यूरी बना के देनी पड़ती है, कुछ को पराठे में स्टफ़ करके, कुछ को खिचड़ी में ऐड करके देना पड़ता है। तो
एज ए मदर ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप समझ पाएं कि मेरा बच्चा किस तरीके से खाना पसंद करता है। कुछ बच्चों को स्टफ्ड पराठे बहुत पसंद होते हैं, कुछ बच्चे को फर्मेंटेड फूड बहुत पसंद होते हैं। सो आप अपने बच्चे की चॉइस को धीरे धीरे करके समझें, क्योंकि 1 से 2 साल तक का समय ऐसा है जब आप अपने बच्चे की फूड हैबिट को टोटली अंडरस्टैंड कर जाते हो और उसकी फूड हैबिट एक बेसिक स्ट्रक्चर में बन चुकी होती है। राइट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।